बच्चों आपको बहुत नमस्ते। पीएससी स्टार्टर में आपको स्वागत है। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.4 पढ़ रहे हैं। आज पांचवी क्लास है, ठीक है। डे 5 भी हम उसे कह सकते हैं। इसमें हम विजुलाइज पढ़ेंगे, बहुत छोटी एक्सरसाइज है। इसने बोला 3.765 को विजुलाइज करके दिखाइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर क्या लिखा है, 3, तो यहाँ 3 लिख दोगे। 3 के बाद क्या आता है, 4, तो यहाँ 4 लिख दोगे। अब इसके बाद यहाँ पे 9 पॉइंट डाल दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर लिखोगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो अपने आप क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब बताओ 3.765 किसके बीच में आएगा। देखो ये 7 है ना, ये रहा 7, 8, 7 और 8 के बीच में तो आएगा। तो यहाँ हमने सर्कल डाल दिया, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास बना रहे हैं। अब उसके बाद ये 3.7 है ना, ये हमें लाइन ड्रॉ करेंगे, ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी। 3. क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7, क्या लिखेंगे, 3.8। अब उसके फिर से नो लाइन डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ क्या लिखेंगे, 3.71, यहाँ क्या लिखेंगे, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब बताओ ये 7.6 कहाँ आ रहा है, 7.6 ये रहा, इन दोनों के बीच में आएगा ये पूरा। तो हम इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया। उसके बाद फिर से ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये फिर ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। स्केल से बनाना अच्छे से, 3.76 यहाँ डाला, 3.77 यहाँ डाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन डाल लेंगे, ठीक है। तो 7.6 यहाँ क्या लिखेंगे, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। तो अब 3.765 कहाँ आ गया, ये आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो सिर्फ उसी पे लगाएंगे, ठीक है, डबल बना देना, फिर डबल कर देना, और इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब ये जो एक एक सेंटीमीटर की लाइन आप लगा लेना, ठीक है, पूरे स्केल से। तो आपको देखो कितनी लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डालनी है, या पहले एक डालो, दूसरे डाल दो, उसके बीच में 9 लगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको मैग्नीफाइंग ग्लास समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। दोबारा समझ लो क्या करा, यहाँ जो भी रकम लिखी होगी, यहाँ लिखा 3, उससे अगला 4 लिख देना, उसके बाद इससे अगले वाली रकम को लेना, 7 ये रहा तो अगला 8 हो गया, फिर इन दोनों को यहाँ लिख देना, फिर उसके अगला 7 के बाद क्या आता है, 1, 2 ऐसे लगा देना, फिर उसके बाद ये दोनों नंबर यहाँ लिख देना, फिर उसके बाद उसके आगे लिखना 1, 2, 3, 2-3 बार देखोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नई चीजें आसान से समझ नहीं आती है कई बार। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यहाँ लगा हुआ है 4.26 पे बार। मैंने आपको बताया था ना कि बार का मतलब होता है बार बार, अगर हटाओगे तो जैसे हटाओगे चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो आप क्या करोगे इसे रोक, अब रोकने के लिए बार लगाया जाता है, अब रुका तो पहले से हुआ था, हम खाली 4 वैल्यू ले लेंगे, 1, 2, 3, 4। जब बार वाला आता है तो 1, 2, 3, 4 बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4.2626 ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइन डाली, तो यहाँ लिखा 4, ठीक है, 4 के बाद अगला क्या आता है, 5, तो कितनी लाइन डालेंगे अंदर, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। 4. क्या आएगा, 1, वेरी गुड। 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब बताओ ये 2, 6 कहाँ, ये 4.2 कहाँ है,
ये रहा, ये है ना, सिर्फ दो जनों को देखो, पहले एक जने को देखा, अब दो जनों को देखो, 42 का ये रहा, तो 42 साइड को 43 साइड पे गोला ऐसे लगा देंगे। उसके बाद फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ठीक है, फिर ये लाइन डाल दी। तो ये क्या है, 42 मतलब 4.2 याद करने का तरीका है, 4.3। उसके बाद कितने लाइन डालेंगे फिर, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 4.21 देखा, 42 का एक लग गया, फिर दो लग जाएगा, फिर तीन लग जाएगा, फिर ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9। अब बताओ ये तीन नंबर पे आ जाओ, 4, 2, 6, 4, 26 का है ये रहा, तो इन दोनों पे गोला लग जाएगा। तो ये चीज यहाँ आ गई, यहाँ चीज जो रकम दे रखे होते उसको हमें देखना होता है, 4.26, 4.27, ठीक है, ये दोनों उतार लिए। जो नंबर मिलेगा ना आपको ये, उससे अगले वाले को भी लेना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये कहेगा 426.1 मतलब कितना होगा, 4, 261, 4.261, ठीक है। वन के बाद कभी रकम को इकट्ठा नहीं बोलते, आप अपने तरीके से बोलने के लिए बोल सकते हो अगर समझने के लिए, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे बोलते हैं 4.264, ठीक है, 4.265, 4.266, 4.267, ठीक है, 1, 2, 3 यह आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब बताओ 4, 2, 6, 2 का है, 4, 2, 6, 2 ये रहा, तो इससे अगले वाले पे हम ऐसे बना देंगे। उसके बाद एक और लेंगे, जब बार वाला आएगा तो आपको 4 तक लेने होंगे, कितने तक लेने होंगे, 4 तक, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, थोड़ा सा इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस तरीके से आप अपना डाल लेना, 4.26, 21, 4.26, 22, 4.26, 23, 4.26, 4, 24, ठीक है, 24, 4.26, 25, 4.26, 27, 6, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये यहाँ आ गया, तो यहाँ डॉट डॉट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, डॉट डॉट डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एंड नहीं है, इसका एंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसमें डॉट डॉट डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अलग क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर बार वाला होगा तो आपको 4 बनाना है, इस पर गोला आपको नहीं डालना।